वही राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 10 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के तबादले के आदेश को गलत बताया है। बता दें, दिल्ली में 5000 से ज्यादा शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है, जिसको लेकर आप पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे का कहना है कि शिक्षकों को ट्रांसफर करने की योजना गलत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले ये सभी शिक्षक के कंधे पर देश के भविष्य संवारने का जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वह सिर्फ शिक्षा कर्मी बन कर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिस समस्या के बारे में बात की थी तो रातों रात विपक्ष द्वारा एलजी के निर्देश पर 5000 से ज्यादा शिक्षकों को तबादला कर दिया गया है। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि सभी 5000 टीचर का ट्रांसफर रोका जाए। साथ ही शिक्षा मंत्री ने भी इस मामले में पत्र लिखकर 48 घंटे में जवाब मांगा है। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में मशहूर जो दिल्ली का क्रांतिकारी एजुकेशन मॉडल है, यह मॉडल एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पैरेलल स्ट्रैटेजीज के एक साथ आगे लेकर बढ़ने के परिणाम स्वरूप बना। अरविंद केजरीवाल जी और देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की गाइडेंस में दिल्ली की सरकार, इसका एक डायमेंशन है। तो दूसरा, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज के जरिए सिटीजन एंगेजमेंट, स्टूडेंट एंगेजमेंट, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो डायमेंशन है दिल्ली एजुकेशन मॉडल का, वो है दिल्ली के विद्यालयों के शिक्षक। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले ये सभी शिक्षक, जिनके कंधों पर देश के भविष्य को सुरक्षित करने की, उनको संवारने की जिम्मेदारी है, जिस परिवेश में, जिस प्रशासनिक वातावरण में और जिस किस्म की राजनीतिक इच्छा शक्ति से ड्रिवेन होकर वे काम कर रहे थे, वे सारे महज शिक्षा कर्मी बनकर रह गए थे। लेकिन दिल्ली की सरकार के आने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में यह गवर्नमेंट इकलौती ऐसी गवर्नमेंट बनी जिसने अपने कुल बजट का 26% दिल्ली के क्रांतिकारी एजुकेशन मॉडल को बनाने, संवारने, स्टैब्लिश करने में लगा दिया, तो उसके साथ ही इन शिक्षा कर्मियों के मन में शिक्षक के दायित्व को लेकर जो बोध आया, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को स्टैब्लिश करने। यह पृष्ठभूमि थी। कल हमने जिस समस्या के बारे में बात की, भारतीय जनता पार्टी जनित समस्या, जिसके तहत रातों रात दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी जी के कहने और लिखित निर्देश देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उपराज्यपाल महोदय के दफ्तर के निर्देश पर 5000 से भी ज्यादा शिक्षकों का तबादला कर दिया गया, और जिसके ऊपर हमने दिल्ली के